हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T1X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम आती है इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम जो है वो कब आती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन में जब इंटरनल स्टोरेज जो होता है ना वो भर जाता है, तब जाके हमारे मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसका एक नोटिफिकेशन भी हमारे को रिसीव होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो है ना गैलरी या फिर आप जो अपने मोबाइल फ़ोन में फाइल मैनेजर या फिर आप अपने फ़ोन में गूगल फाइल का ये जो ऐप होता है, इन तीनों में से आप कोई भी एक जो है ओपन कर लीजिए और इसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पर वैसे तो मेरा ये स्टोरेज जो है खाली है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका ये भरा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो इसमें से जो फालतू की फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट जो कुछ भी फालतू की चीज़ होती है उन्हें आपको डिलीट कर देना, हटा देना अपने यहाँ से। ठीक है ना, या चाहे आपने गूगल फाइल ओपन कर रखा है, चाहे आपने फाइल मैनेजर या फिर आपने अपने फ़ोन की गैलरी ओपन कर रखी है, तो उनमें से आपको जो अपनी फालतू की फ़ोटो वीडियो उसको हटा देना है। ठीक है ना, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन में जो है ना ये जितने भी ऐप्स होते हैं इन सभी ऐप का आपको डेटा क्लियर कर देना है। ठीक है, देखिए डेटा क्लियर कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी ऐप जो है उंगली से दबा के रखना है, तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ऐप इन्फो का ये ऑप्शन मिलेगा या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा, इसे आपको टैप करना है तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको टैप करना है तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, इस ऐप का, तो यहाँ पर आपको क्लियर स्टोरेज और ये क्लियर कैच के दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड ये यूजर डेटा जो है मेरा 5 MB का है और ये कैच भी जो है 3 MB का है। दोस्तों, हम अपने मोबाइल फोन को काफी लंबे समय से यूज करते हैं और ऐप्स को यूज करते हैं, तो हमारे जो ऐप्स होते हैं मोबाइल फोन के वो KB में, MB में, यहाँ तक कि GB में जो है हमारे मोबाइल फोन का डेटा कंज्यूम कर जाते हैं, तो आपको जो है अपने ऐप्स को रीसेट करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो आपका एक पेज ओपन होगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप करना है, तो आपका यूजर डेटा भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है ना मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं उन सभी का डेटा आपको क्लियर कर देना है। यहां पर दोस्तों आपको एक काम और करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं ना उन सभी को आपको अपने फोन से हटा देना है, अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि दोस्तों हमारे मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स होते हैं ना ये हमारे मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल्ड रहते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों आप कभी भी नए ऐप्स को भी इंस्टॉल करेंगे तो वो भी आपके इंटरनल स्टोरेज की जगह घेरेंगे। ठीक है, तो आपके मोबाइल फोन के जो है ना फालतू के ऐप्स को हटा देना है, ताकि आपके जो है इंटरनल स्टोरेज आपके मोबाइल फोन का वो भरेगा नहीं, जिसकी वजह से आपके फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फोन में मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं तो आपको करना क्या है कि आपके जो ऐप्स होते हैं ना ये आपके इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल्ड होते हैं, तो आपको इन सभी ऐप्स को अपने मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर कर लेना है, यानी कि मूव कर देना है, जिससे आपके मेमोरी कार्ड जो है वो इंटरनल स्टोरेज जो है वो आपका खाली रहेगा, जिससे आपके स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आपको कर लेने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ना एक प्रोसेस और करना है कि आपके मोबाइल फोन में काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे रन करते रहते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, जो आपके मोबाइल फोन की बैटरी, डेटा और भी बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है वो भर जाता है और आपके मोबाइल फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम आती है। तो आपको करना क्या है, उन सभी ऐप्स को आपको स्टॉप करना है। कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, तो सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा स्पेशल ऐप एक्सेस का, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड पावर कंजम्पशन मैनेजमेंट, इसे सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पर आपके वही ऐप आपको दिखाई देंगे जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पर रन करते रहते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है ना, तो इन सभी ऐप्स को आपको एक एक करके स्टॉप करना है। कैसे करेंगे, देखिए आपको कोई भी ऐप जो है सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपका ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड के सामने ये सर्कल दे रखा है, इस पर टिक मार्क लगाना है, तो आपका ये ऐप स्टॉप हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पर रन नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका इंटरनल स्टोरेज भरेगा नहीं और आपके मोबाइल फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे प्रोसेस आप कर लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी ऐप्स होते हैं ना इन सभी का लाइट वर्जन आता है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके लाइट वर्जन आते हैं, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। ट्विटर लाइट आता है एक ऐप, ठीक है, और आपका इंस्टाग्राम लाइट आता है, फेसबुक लाइट का भी ऐप आता है, तो आप उनका यूज़ करिए, क्योंकि आपका जो नॉर्मल जो ट्विटर जो ऐप होता है वो आपका 50 से 60 MB के बीच में होता है। ठीक है, तो वो आपके मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में आपका जो है ना स्टोरेज कवर करता है ज़्यादा। ठीक है, तो जिससे आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज भरता है और आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग
आउट की समस्या आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लाइट वर्जन यूज़ करने, लाइट वर्जन आपके 2 से 5 MB तक के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज नहीं भरेगा और आपके फ़ोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी, ठीक है ना। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि आपके मोबाइल फ़ोन में काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर जो है ना सेटिंग होती है ऑटो डाउनलोड की, जैसे कि व्हाट्सएप में होती है ऑटो डाउनलोड की सेटिंग, जैसे कि मान लीजिए अगर वो आपकी ऑन है ना तो वो आपको बंद कर देनी है, ऑफ कर देनी है ऑटो डाउनलोड, क्योंकि दोस्तों आपके व्हाट्सएप पे अगर कोई भी फोटो या वीडियो भेजता है तो आप उसे डाउनलोड करते हैं अपने व्हाट्सएप में, तो वो फोटो या वीडियो आपकी जो है ना ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में चली जाती है, जिसके कारण आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज भरता रहता है और आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट जैसी समस्या आने लग जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑटो डाउनलोड की सेटिंग आपको बंद कर देनी है जिस किसी ऐप में भी ऑटो डाउनलोड की सेटिंग होगी तो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस आप जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके देखिए, आपकी जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।